तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, करते हैं स्टार्ट इफ नो टाइम पास एंड नो बकवास। बॉश फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाए थे। उसमें एक वीडियो ये भी था कि अगर आपको मशीन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना हो तो उसे लॉक करना जरूरी है। आज का वीडियो जो है वो है मशीन को अनलॉक किस तरीके से किया जाए। तो वीडियो के साथ आप दोस्तों बने रहेगा। आपको ये चारों जो नट बॉल है दिख रहे हैं आपके मशीन के वहाँ पे भी होंगे, जब आप उसको लॉक करते हो उस चारों नट बॉल को हम लोग को जो है निकालना है। इसके लिए हमें एक पकड़ की ज़रूरत पड़ेगी और उसे आप देख सकते हो वीडियो में कुछ इस तरीके से। आप उसको पकड़िए और थोड़ा सा हल्के से थोड़ा सा उसको घुमाइए, पूरा कंटिन्यूसली मत घुमाइए, एक नॉट घुमाइए फिर दूसरा नॉट घुमाइए ताकि वो आसानी से खुल जाए, बिकॉज ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, थोड़ा सा टाइट रहता है। तो आपको धीरे धीरे उसको लूजन करना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है हमें। जैसे कि हम लोग का ये नट लूज़ हो जाता है तो उसको कंफर्मेशन के लिए आप ऊपर से देख सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा नट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको पता चल जाएगा कि ये बाहर आने लगा है। देन आप उसको कंटिन्यूसली उसको लूज़ कर दीजिए। इसके बाद आप वो नट बोल्ट को निकाल दीजिए, ये प्लास्टिक का जो है कैप उस पर लगा है उसको भी निकाल दीजिए। आपको ये चारों तरफ आपको इस सेम तरीके से करना है एंड चारों नट एंड बोल्ट ये प्लास्टिक के कैप को जो है निकाल देना है, जिससे आपका जो मशीन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आपको एक्टिवा में ये सब इस तरीके से स्पेंडर जो मिलता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास पकड़ ना हो तो। मेरे पास था लेकिन मैंने पकड़ का इस्तेमाल किया है आपको जस्ट दिखाने के लिए। आप देख सकते हो मैंने चारों प्लास्टिक कैप एंड नट बॉल जो है वो निकाल दिए है मशीन से, और उसको आप संभाल के रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर मशीन को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे तो आप उसका इस्तेमाल कर सके। ये जो है चार उसकी कैप दी गई है जिससे वो हम लोग का फिर से मशीन लॉक हो जाएगा। आपको सिंपली उसे इस डायरेक्शन में लगाना है एंड उसको पुश इनसाइड करना है जिससे वो पूरा लॉक हो जाएगा हम लोग का मशीन और हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को इस तरीके से उसको लगाना है एंड उसके बाद इसको अंदर डालना है एंड थोड़ा सा पुश इनसाइड करना है एंड नीचे की ओर खींच लेना है। तो ये हम लोग का मशीन जो है लॉक हो जाएगा और हम लोग इससे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये करना बहुत ही ज़रूरी है वरना आपके मशीन को डैमेज हो सकता है। हमें चारों तरफ मैं अभी ये इस तरीके से लगा दूंगा। तो मैंने ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी लगा दिया है एंड हम लोग को फिर चेक करना है कि ये लूज़ तो नहीं है करके, चारों ओर हम लोग को ये चीज़ करनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।